मजा आता है परेशान करने में, टाटा बाय बाय, मूड ऑफ हो जाता है, बट ठीक है, एकदम से चले जाना वो अच्छा नहीं था। यूट्यूब पे मैं आई थी, एलविश और मैं वीडियोस बनाते थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज कीर्ति मेहरा एंड यू आर वाचिंग ऑब्वियसली कीर्ति मेहरा विद अनदर वीडियो। सो ये आपने काफी टाइम से नहीं सुना होगा क्योंकि मैंने चैनल पे वीडियो नहीं डाली थी, एंड आई नो मैंने कमिटमेंट दिया था कि 300K होते ही मैं वीडियो डालूंगी, Q&A वीडियो। पहले तो सब छोड़ो, उस सब के लिए सॉरी, बट हाँ थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने मेरे को प्यार किया और 300K करवाने में हेल्प करी। मैं काफी टाइम से इस चीज का वेट कर रही थी क्योंकि एक टाइम में मैंने ऐसे उम्मीद छोड़ दी थी कि नहीं हो रहे, बस हो गया, फिर मैंने कहा नहीं हो गए। थैंक यू सो मच हमेशा सपोर्ट करने के लिए। सो बिना देरी लगाए मैं Q&A वीडियो शुरू कर रही हूँ और क्वेश्चन में पहला पिक करने वाली हूँ। लेट्स गो गाइस। सो पहला क्वेश्चन है, आप कौन सी फेस क्रीम लगाती हो जिससे आपकी स्किन इतनी ग्लो करती है? ये क्वेश्चन मेरे से काफी लोगों ने पूछा है। पहले तो मैं ऐसी कोई क्रीम पे बिलीव नहीं करती जिसमें ज्यादा केमिकल्स हो, मैं दूर रहती हूँ, बट जॉनसन पे भी मैं लगाती हूँ, मेरे बैग में होगी कि दिखाऊं, ऐड नहीं करनी हूँ। थैंक्स बढ़िया, जॉनसन बेबी ये लगाती हूँ मैं, और मैं मतलब एडवाइस भी यही देती हूँ कि केमिकल से थोड़ा दूर रहो क्योंकि आज नहीं तो कल काफी स्किन पे नुकसान हो जाएगा। और जो ये यहाँ पे से ग्लो आता है ये मेरा थोड़ा मम्मी की साइड से ही है, मम्मी की साइड पे सबकी स्किन अच्छी थी, क्रीम ये लगाती हूँ मैं। थैंक यू। नेक्स्ट, ये मेरे इंस्टा पे बहुत ज्यादा आता है, प्ले लिस्ट शेयर करोगी या नहीं तो दिल्ली आ जाएगा। उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम जम्मू एंड लव यू। थैंक यू। प्ले लिस्ट मैं शेयर नहीं कर पाती, मेरे को पता है मैं थोड़े ओल्ड स्कूल पुराने गाने सुनती हूँ जो आप लोगों को सुन के ऐसे लगता है कि हाँ ये भी तो एग्जिस्ट करते थे, तो प्लेलिस्ट में शेयर नहीं कर सकती क्योंकि बहुत बड़ी है और हर मूड के हिसाब से ऐसे रोतड़ू और हैप्पी और मोटिवेशनल और ऐसे सारे मूड्स हैं वो शेयर नहीं करती, बट मैं जैसे जैसे डालती रहती हूँ वैसे वैसे देख के सेव कर लिया करूँ। एक है, थर्ड क्वेश्चन इज, सूट के लिंक मेंशन क्यों नहीं करते, मजा आता है परेशान करने में, सीरियस क्वेश्चन है ये इसी ने लिखा है। सूट के लिंक में मतलब ज्यादातर तो मैं खुद ही स्टिच करवाती हूँ तो उसके लिंक में कैसे दूँ, कुछ कुछ मैं ऑनलाइन लेती हूँ बट फिर फ्री में प्रमोशन क्यों करना था इसकी। काफी लोगों को डीएम पे दे देती हूँ बट कमेंट सेक्शन में ऐसे मैं स्पेसिफिक सीधा ब्रांड नेम मेंशन नहीं करती हूँ, बट अगर किसी सूट की, जैसे लास्ट एक सूट था जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, कमेंट करे जा रहे थे सो उसके लिए मैंने स्टोरी पे जहाँ से मैंने लिया है लिंक विंक सब कुछ मेंशन किया था, फिर मेरे को कंपनी वालों ने बोला कि ठीक है कीर्ति टाटा गुड बाय। एक है क्वेश्चन, वेयर इज वन प्लेस यू फील मोस्ट लाइक योर सेल्फ? मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स, मतलब प्लेस तो नहीं है, मैं पर्सन कह सकती हूँ। अगर आपके पास पावर आए कोई चीज ठीक करने की, अब तक जो किया तो आप क्या करोगे? इससे पहले जब मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाता था तो मैं कहती थी मुझे ऐसी कोई पावर चाहिए नहीं, अगर जेन्युइनली अब मेरे पास कोई ऐसी पावर आई तो मैं अपनी लाइफ से 2021 ईयर को या तो ठीक करना चाहूंगी या फिर इरेज कर देना चाहूंगी, मेरी लाइफ का वर्स्ट ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फेवरेट सॉन्ग ऑफ दिल्लू, मतलब दिलजीत, पति है मेरे यार। सारे गाने फेवरेट है, वो गलत भी गाना बनाएगा ना तब भी मैं बोलूंगी सब बढ़िया है उनका। मुझे एक वो गाना बहुत अच्छा लगता है, पीड़, और एक पुराना अम्ब्रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी चांस कि आप कभी कोलकाता आओ? यस, आऊंगी मैं शायद नेक्स्ट ईयर क्योंकि मेरे एक फ्रेंड की शादी है, आई होप नेक्स्ट ईयर में हो जाए, बट आऊंगी मैं और काफी 10-15 दिन के लिए आऊंगी। और सेकंड है, यहाँ अगर आप हिमाचल जाओ तो मुझे लेके चलो, मतलब मैं लेके तो नहीं चल सकती साथ में आपको, बट मैं बता दूंगी तो आप वहाँ पे मिल जाना, मैं ज्यादातर धर्मशाला या फिर शातला ही जाती हूँ। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर स्टोरीज ऑफ हिमाचल। You are so kind, like an angel. The only question of mine is, are you okay and happy? मतलब हाँ, जब मैं ठीक हूँ और मैं खुश भी हूँ, कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से थोड़ा ऐसा मूड ऑफ हो जाता है, बट ठीक है, घूम फिर के खुश हूँ मैं, घर पे छत है, घर वाले हैं, दोस्त है, अगर सिर्फ इन चीज़ों को देखूँ तो मैं खुश हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू प्लीज टेल व्हेन विल यू स्टार्ट योर थ्रिफ्टिंग स्टोर? नेवर गाइस। अगर कोई कपड़ा मैं ऐसे थ्रिफ्ट पे एक तरीके से बेचना ही होता है, तो अगर मेरे को कोई कपड़ा अपने ऐसे छोड़ने हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो मैं अपनी मेड को दे दूँ, मैं ये काम तो नहीं करूँगी, सॉरी, और नो ऑफेंस टू एनी थ्रिफ्ट स्टोर, ये मेरा परसेप्शन है बस, क्योंकि आई थिंक काफी थ्रिफ्ट स्टोर जो होते हैं वो खुद सामान खरीदते हैं और फिर वो आगे बेचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू बिलीव दैट लव इज ब्लाइंड? देखो मैं विश्वास तो नहीं करती, बट जिसको हो जाता है ना वो अंधा हो जाता है।
दोनों अलग अलग होते हैं क्या? लव ब्लाइंड नहीं होता है, सब कुछ दिखता है उन्हें, देख के ही तुम्हें प्यार होता है इंसान को, उससे बात बात करके सब कुछ करके। बट इंसान को जब प्यार हो जाता है ना, फिर वो अंधा हो जाता है। सो लव इज नॉट ब्लाइंड। दी आपके सॉन्ग्स की एल्बम कब आ रही है? हमें आपका लाइव शो भी देखना है। सो ठीक है, मैं यूट्यूब पे एक बार लाइव आऊंगी और मेरी प्लेलिस्ट में से आप कमेंट करना कौन सा मूड है आपका और मैं वो गाने बजाते चले जाऊँ। ये बढ़िया ऑप्शन है। व्हाट चेंजेस डू यू फेस सो लॉन्ग आफ्टर योर फादर हैज गॉन इनविजिबल फिजिकली? लव यू काइंडेस्ट अलाइव। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया नहीं है अभी तक, क्योंकि मैं देना चाहती भी नहीं थी। इस क्वेश्चन का आंसर मैं तब देना चाहती थी जब मैं खुद इतना स्ट्रांग हो पाऊँ कि मैं बोल पाऊँ। अभी भी मैं बोल रही हूँ, वो मैं ऐसे फंबल करके बोल रही हूँ, दिख रहा होगा। पहले मैं बोल ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे लिए वही थे सब कुछ जो मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और मेरे को जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार था, जिनसे ऊपर मेरे को कुछ नहीं दिखता था। और एकदम से चले जाना वो अच्छा नहीं होता। सो चेंजेस यही फील करे थे मैंने कि जब आप पापा हैं वो मेरे, जब आप उनसे इतना ज़्यादा अटैच्ड हो तो आपको उनको जगह जगह पे आपको उनकी कमी फील होती है। तो अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं या मेरी वीडियोस नहीं आ रही हैं या आ रही हैं या मेरे को कुछ ऐसा ऑफर आया है जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, रिजेक्ट कर दे रही हूँ, तो मेरे पापा उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो रहते थे, मुझसे ज़्यादा एक्टिव रहते थे वो। शायद आप लोगों से भी ज़्यादा एक्टिव रहते हो। बोलते थे वीडियो क्यों नहीं आई, सब्सक्राइबर्स इतने क्यों हैं, अभी बढ़ क्यों नहीं रहे। मैं अगर घर में बीमार हो जाती थी तो वो ऐसे थे कि वो रात को उठ के साइड में खड़े रहते थे, इसे खा इसे खा। मैंने डाइटिंग करी थी लास्ट ईयर, आपको पता हो, बहुत एकदम ऐसे पतली हो गई थी बिल्कुल। तो उनको बस ये था कि वो तू खा ले कुछ, तो मेरे को आके बोलते थे कि ठीक है तुझे कुछ नहीं खाना ना तो तू मैगी खा ले। मतलब वो भी डाइटिंग थी उनके लिए कि कुछ तो खा ले। वो चीज़ की एक मेरे को कमी लगती है कि मैं किसी के पास एकदम भाग के नहीं जा सकती। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, मेरी लाइफ में कुछ भी होता था वो बैठ के सुनते थे और समझाते थे। और उनका ये था तुझे जो करना है तू कर, मैं तेरे को किसी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगा। देखो इतना समझदार इतना काबिल बना दिया कि जो करेगी अच्छे से करेगी और अच्छे के लिए करेगी। याद आती है, काफ़ी आती है, और वो चीज़ कोई वो भी नहीं कर सकता। बट उनके बाद जो मेरे साथ सबसे अच्छी चीज़ हुई, मुझे पता चल गया कि कौन अपना है कौन नहीं है। और वो चीज़ से जब मैं निकली हूँ, ऑब्वियसली मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स थे मेरे साथ में, बट उस चीज़ से निकलना और उस टाइम पे कौन है आपके साथ कौन नहीं है वो बहुत मैटर करता है। तो वो मेरे को दिख गया कि कौन थे कौन नहीं थे। तो मैक्स एक पेन होता है वो देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर यू सो स्ट्रॉन्ग एंड ऑलवेज स्माइलिंग? आप दुखी होते हो तो क्या करते हो, किससे बात करते हो? ये इसका आंसर मैं पिछले उसमें दे चुकी हूँ। हर कोई स्ट्रांग नहीं होता, बल्कि कोई भी नहीं होता। मैं खुद को भी स्ट्रांग नहीं मानती, बट आपको स्ट्रांग बिहेव करना पड़ता है जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। मैं रो तो नहीं सकती। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आप फेक स्माइल कर रहे होते हो, आपका मन नहीं होता है हंसने का, बट स्टिल आपको हंसना पड़ता है क्योंकि ये लाइफ है यार, दिस इज हाउ इट वर्क्स। मतलब मैंने पापा के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, मैं वो चीज़ नहीं उठा रही हूँ। जब इंसान को किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो वहाँ पर नहीं होता फॉर एनी रीजन, आप बन जाते हो यार स्ट्रॉन्ग। अपने आप का भी ख्याल रखना है, सबका ख्याल रखना है, कोई ऑप्शन नहीं बचता। सो एंड नेक्स्ट पार्ट इसका ये था क्वेश्चन का कि दुखी होते हो तो क्या करते हो, किससे बात करते हो? दुखी होती हूँ तो जेनुअनली कुछ नहीं करती। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जाऊँ सो जाऊँ और एक बढ़िया सी नींद लूँ और मैं सुबह उठूँ या फिर जब भी मैं उठूँ वापस से नया स्टार्ट करूँ। किससे बात करती हूँ? मेरा भाई और मेरे कुछ दोस्त भी हैं जिनसे मैं बात कर लेती हूँ। बट मैं ज़्यादातर प्रेफर ये करती हूँ कि कुछ बात करने से अच्छा है या फिर बोल के कुछ क्या क्या हो जाएगा, मतलब मेरे को खुद ही सब कुछ संभालना। थोड़ा सो जा, उठ और फिर सब कुछ ठीक कर, बी इंडिपेंडेंट गाइस। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मैं 300K के क्वेश्चन पे ही एंड कर रही हूँ। आपने स्टार्ट करने से पहले क्या सोचकर स्टार्ट करा था और आज 300K होने पर कैसा लग रहा है? स्टार्ट करने के लिए मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, मैं कभी यूट्यूब पे आना ही नहीं चाहती थी। यूट्यूब पे मैं आई थी तो मेरे भाई ने मेरे को बताना शुरू किया। तो एलविश और मैं वीडियोज बनाते थे, मैंने उससे बताया कि ऐसे यूट्यूब होता है और मेरे को मेरे भाई ने बताया। तो हम इंस्टा पे डालते थे, फिर हम यूट्यूब पे डालने लगे, यूट्यूब पे डालते डालते फिर मेरे खुद का चैनल बन गया। मतलब ऐसा हुआ कि गो विद द फ्लो, कुछ ऐसा प्लान नहीं था। बट अब ऐसा हो गया कि अब शुरू करा है तो 300K भी हुए हैं, 500K भी होंगे, 1,000,000 भी होंगे और आप सब लोगों के साथ ही होंगे और अच्छा लग रहा है कि हो गए 300K। क्योंकि 253K पे मेरा ऐसे सब्सक्राइबर्स काउंट अटक गया था, बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहा था। मैं सोचा नहीं होंगे नहीं होंगे, अब हो गया। मैंने जब 300K हुए भी, मुझे लिफ्ट में किसी मेरे फ्रेंड ने बोला कि 300K हो गए, मैंने कहा नहीं है छोड़। और एक दिन उससे पहले इंद्रनील ने बोला था कि तेरे 300K हो गए, मैंने कहा नहीं हुए। और उस टाइम पे उसको दिख रहे थे कि हो गए,
बट मेरे स्टूडियो में नहीं दिखा मेरे को, मैंने डिसअपॉइंट हो गई, मैंने कहा नहीं हुई। सो नेक्स्ट डे जब नीचे सागर ने बोला मेरे फ्रेंड ने कि 300 के हो गए, मैंने तब भी ऐसे लिया नहीं हुई नहीं हुई। मैं ऊपर आई, मैंने वापस से वो काउंट देखा लैपटॉप के खोल के हो गया नहीं हुआ, और हो गए थे मेरे को लगा के हो गए हैं, करवा दिए फाइनली, और अभी सही तरीके से बढ़ रहे हैं, काउंट भी सही है, बट व्यूज़ कम हो गए हैं। ऑब्वियसली मैं डेली नहीं डालती हूँ, मैं कोशिश करूंगी डेली व्लॉग्स डालने की 300K की वीडियो के बाद, और काफ़ी सारी और भी चीज़ें आने वाली हैं जिसके बारे में आपको अपडेट करती रहूंगी। सो थैंक यू गाइज फॉर ऑलवेज लविंग एंड सपोर्टिंग, आई लव यू। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख देना, आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कवर कर लिए आपके, फिर भी नहीं अगर लग रहा है कि हाँ यार इतना रह गया, एक क्वेश्चन, भिंडी मशरूम की रेसिपी बना दूंगी, पक्का बना दूंगी भिंडी मशरूम की रेसिपी, एक मेरी पेंडिंग है, Q&A वीडियो मैंने कर ली है, और तो कुछ पेंडिंग नहीं है, और अगर कुछ पेंडिंग है तो कमेंट में बता देना।